तो मेरा नाम महेश माने। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाउंड्स के ऊपर, मतलब हाउंड्स मतलब सब आ रहे हैं उसमें, पश्मी, कारवान, ग्रेहाउंड सब आएंगे, जैसे कि रेसिंग रिलेटेड रहेंगे मोस्टली। तो और मोस्टली इंडियन ब्रीड्स, और क्योंकि इंडियन ब्रीड्स ही ज़्यादातर हाउंड्स में आ रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीडियोस में जो आपको बताया कि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को नॉलेज लेना चाहिए, तभी तभी ब्रीड भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप सामने वाले को बोलोगे कि मुझे ऐसा चाहिए, तभी वो सामने वाला आपको उस तरीके का ब्रीड देगा, ठीक है। तो आपको शेयर नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है मैक्सिमम, और उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो एक्चुअली आज का टॉपिक ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्रीड, मतलब जो पुराने समय से ब्रीड आ रही है, मतलब हज़ारों सालों से ब्रीड यहाँ तक अभी अभी तक जो डेवलपिंग होते होते यहाँ तक पहुँची है, उसमें बहुत सारे उलट पलट, मतलब इन इन हिंदी जैसे कि ऊपर नीचे बहुत कुछ हो चुका है, पर इन चीज़ों को कोई हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोग अपनी विजुअलिटी के हिसाब से जो कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है, अच्छा दिखने ऐसा ऐसा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ये सोच के ब्रीड ले रहे हैं, पर ये गलत है। देखिए, नेचर है, नेचर के खिलाफ आप खेल अगर अपोजिटली जाओगे, जो फ्लो नेचर का रहता है उसके आप अगेंस्ट जाओगे, तो पक्का नेचर डिस्टर्ब होने वाला है। नेचर डिस्टर्ब होगा तो ये नेचर ने ही इस ब्रीड को बनाया है, ये भी डिस्टर्ब होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि पुराने समय से ये ब्रीड कैसे डेवलप होती आ रही है, और इस मॉडर्न लाइफ में उस ब्रीड से एक्सपेक्टेशन लोग क्या कर रहे हैं, और वो कैसे गलत तरीके से गलत तरफ जा रही है। तो जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शनैलिटी हाउंड्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउंड्स में मतलब कोई भी चीज़ हो, दुनिया में जो चीज़ बनी है वो किसी कारण बनी है, उस चीज़ का वो रीज़न है, उसलिए वो नेचर ने उसको डेवलप किया है। अगर जिस चीज़ के लिए वो ब्रीड डेवलप हुई है, बनी है, उसका ही उसमें ही इसका कुछ रोल नहीं हो रहा है, उसका कुछ काम नहीं आ रहा, तो वो ब्रीड किस काम की? आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि ब्रीड फंक्शनैलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए कि जैसे पुराने टाइम से क्या पर्पस था इंडियन ब्रीड, मतलब जब हमारे अदर फॉरेन ब्रीड्स यहाँ पे इंडिया में नहीं थे, तो हमारा देसी डॉग रहता था, तो देसी डॉग से एक्सपेक्टेशन रहती थी कि उसने गार्डनिंग करना है, कि अपने घर के आजू बाजू के एरिया में गार्डनिंग होना है, और अनवांटेड लोगों को या फिर अनवांटेड चीज़ अपने एरिया में नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे कि फार्मर फार्मिंग के हिसाब से इस्तेमाल करते थे, मतलब खेतों में कोई अलग जानवर नहीं आना चाहिए, खेत डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, तो इस हिसाब से। वैसे ही इंडियन ब्रीड में हंटिंग ब्रीड मोस्टली आती है। हंटिंग ब्रीड की खासियत ये रहती थी कि पुराने समय से हंटिंग का ट्रेड चलता था, लोग डॉग एक हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। बड़े बड़े राजा लोग हंटिंग के लिए ये ब्रीड इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने उस हिसाब से बहुत डेवलपमेंट भी किए। और कैसा है, ये हॉबीज चीज़ है, मतलब छोटा सा छोटा गरीब से गरीब को भी ये अफोर्ड होने वाली चीज़ रहती थी, क्योंकि गांव में एक डॉग पालना, जैसे कि अपना देसी डॉग पालते हैं, वैसे ही वो बंदा एक हंटिंग ब्रीड की नस्ल की डॉग संभालता था। तो बात ये होती थी कि उसकी एक ही एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भाई मेरा ये जो ब्रीड डॉग है तो उसने घर की सुरक्षा करना है, गार्डनिंग करना है, और हंटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो उस हिसाब से मोस्टली इम्पोर्टेंट आता था स्पीड, क्योंकि समझ लो हंटिंग करना है, तो एक खरगोश की हंटिंग करना है तो खरगोश तो बहुत तेज़ रहता है, उसको बीट करना है तो उस ब्रीड को उतनी स्पीड होनी चाहिए, उस डॉग को इतनी स्पीड होनी चाहिए, तभी वो एक रैबिट को या फिर एक खरगोश को पकड़ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से लोगों ने क्या किया, अभी अभी अब की बात है कि लोग ब्रीड स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है।
उस समय में ब्रीड स्पेशलाइजेशन का किसी के दिमाग में नहीं था, एक ही पर्पस था, जस्ट हंटिंग करना है, अपने घर की सुरक्षा करना है, खेतों में अगर कोई जंगली जानवर आ रहा है तो उसको भगाना है, और बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पर्पज़ ही थे, और एज अ पेट जिसको एज अ शौकीन है जो डॉग लवर था उसको, मतलब एक 3-4 पर्पज़ के हिसाब से पुराने समय से लोग डॉग संभालते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि गार्डनिंग, तो गार्डनिंग में क्या है, डॉग थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव मतलब उसको समझ होनी चाहिए कि कब एग्रेशन दिखाना है, नहीं तो आजकल के कुछ डॉग ऐसे हैं कि यार उनको समझ में नहीं आता किसके ऊपर एग्रेशन दिखाना है, अपना आदमी रहेगा तो भी उसके ऊपर एग्रेशन दिखाते हैं, पराया आता है तो भी उसके ऊपर एग्रेशन दिखा देते हैं, कुछ तो ब्रीड ऐसे हो रही है कि वो डायरेक्टली अटैक भी कर रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके उस ब्रीड को समझ में आना चाहिए कि अपना आदमी कौन है दूसरा कौन है। ठीक है, ये रही गार्डनिंग की बात, खेतों में जैसे कि शुरुआत में गार्डनिंग के लिए मतलब जंगली जानवर नहीं आना चाहिए, इसलिए डॉग को इसमें मतलब इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी कि बॉडी की एनाटॉमी जैसे कि उस ब्रीड की एनाटॉमी की इतना बड़ा इशू नहीं आता था। सबसे बिग मतलब सबसे बड़ा पॉइंट है हंटिंग। तो शुरुआत में लोगों ने क्या किया कि हंटिंग के लिए लोगों ने लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए, हाइट में ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि एक समझ लीजिए एक एथलेटिक जो एक रनर है, तो रनर के लिए उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, लेग्स लंबे होनी चाहिए, उसका वेट कम होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो जैसे भी एकदम फ्लेक्सिबल रहे, जैसे परिस्थितियाँ रहती है उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबल रहे, और उसका बाइट करने का पावर अच्छा रहना चाहिए। तो लोगों ने ब्रीडिंग का पर्पस ये किया था कि ब्रीड कोई भी हो ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें, जैसे कि अभी बोलते हैं कि कारवान का कान सीधा होना चाहिए, पश्मी का कान सीधा होना चाहिए, ग्रेहाउंड का रोज ईयर होना चाहिए, तो रोज ईयर ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैटर नहीं करती थी, सिर्फ एक ही पर्पस था स्पीड और कैपेबल टू हंट। तो पुराने टाइम में क्या होता था, गांव-गांव में हर एक बंदे का एक एक ग्रुप रहता था हंटिंग के लिए, तो जो डॉग और उन हर ग्रुप के पास 10-15 हंटिंग डॉग रहते थे, तो ये पर्पस के हिसाब से वो क्या करते थे, जो डॉग अच्छा हंटिंग करता है उसके साथ वो फीमेल मेट करनी है, उसके पपीज निकालने हैं और उनको हंटिंग के लिए हमें फिर से यूटिलाइज करना है, उनको बड़ा करना है और उनको हंटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ये ट्रेंड पहला था। ठीक है, तो वहाँ पे ये ब्रीड स्पेसिफिकेशन या फिर कुछ चीज़ें नहीं थी, पर धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों को ब्रीड स्पेसिफिकेशन समझ में आने लगी कि ब्रीड अलग अलग कौन सी हुई, मतलब टाइप है, हर ब्रीड का एक टाइप है कि किस टाइप की ब्रीड कौन सी है। ठीक है, तो मिडल स्टेज में जबकि जब लोगों को समझ में आने लगी कि ऐसे इस टाइप की जो डॉग रहेगा तो उसको हम पश्मी बोलेंगे या फिर कारवान बोलेंगे या फिर ग्रेहाउंड बोलेंगे या फिर और एक्स वाई जेड, क्योंकि कैसा रहता है, देखिए हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इंडिया विभिन्न भाषाओं से बना हुआ है, विभिन्न लोगों से बना है, तो क्या है छोटे छोटे एरिया में हर जितना कि मतलब आप अगर समझ लो 50 किलोमीटर्स भी आप अगर दूसरे एरिया में जाते हो तो आप चेक करोगे कि लैंग्वेज भी चेंज होती है, आदमी में भी चेंज होता है, तो उस हिसाब से लोगों ने अलग अलग नाम भी रखे। ये मैंने आपको शुरुआत ओल्ड मतलब पुराने समय की बातें बता रहा हूँ, पर अभी कैसा है, अब सब स्टेबल हो चुका है क्योंकि सबको पता चला है कि यह ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। पर आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि लोग फंक्शनैलिटी को नहीं देख रहे हैं कि वो ब्रीड जिस काम के लिए बनी है उस काम के लिए वो परफेक्ट है कि नहीं। आज लोग क्या देख रहे हैं, वे बड़ा बड़ा होना,
दिखने में ऐसा बड़ा दिखना, मुंह में इतना इतना लंबा होना, उसके मुंह से कंगन निकलने निकल के जाना, भाई क्या एक चल रहा है? आप क्या दुल्हन देख रहे हो, क्या बना रहे हो? अरे वो हंटिंग के लिए बनी है ब्रीड। अगर आप उसको उससे एक्सपेक्ट करोगे वो ऊंचा बड़ा रहेगा, तो वो खरगोश कैसे पकड़ेगा? अगर वो जितना ऊंचा रहेगा तो खरगोश तो छोटा रहता है, अगर वो छोटा खरगोश को पकड़ना है तो उसका अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो वो नीचे झुक के उस खरगोश को कैसे कैच करेगा? तो इसलिए उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उस ब्रीड की हाइट लेंथ सब होना चाहिए। डॉग प्रॉपर बैलेंस होगा तभी वो हंटिंग के कैपेबल है। और क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ बताने वाला हूँ। पर आपका सहयोग, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, आप मोटिवेट करोगे तभी मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज शेयर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सब लोगों को बता सकूं। क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, उतना वीडियो मेरा ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, उनको पता चलेगा। और ये जो आजकल जो हो रहा है उस स्टेप रुकना चाहिए। तो कोई भी हो कि और मैं एक बात बोलता हूँ, देखिए एक ही पॉइंट है, नेचर के अगेंस्ट नहीं खेलना है। दिखने में अच्छा दिखता है इसलिए आप नेचर को ख़राब नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है उस नेचर का ख्याल रखना। अगर नेचुरली जो चीज़ बनी है तो वो नेचर ने बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो देख रहे हो जय कोरोना, जय सुनामी, जय भूकंप। ठीक है, ये होगा क्योंकि ये हमारी हमने बिगाड़ा हुआ है सब, नेचर को हमने डिस्टर्ब किया है। वैसे ही एक दिन ऐसा ना हो जाए कि ये ब्रीड हमारे हाथ भी ना लगे, सारे के सारे वैनिश हो, और उस टाइम पे सिर्फ हम इतिहास, मतलब सिर्फ हम इतिहास में याद रखेंगे कि भाई हमारे पास ये ब्रीड ऐसी ऐसी थी। वो टाइम ना आए तो बेटर है। हमें ख्याल रखना है कि हमारे अपने जो इंडियन ब्रीड है, जो जिस चीज़ के लिए बने हैं, वो उसी चीज़ के लिए बने रहे। तो कीप इन टच, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि आपके क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको क्या नॉलेज चाहिए, मैं उतना बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। जय हिंद।